जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है कि बेटा आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हमने देखा पैसिव, एक्टिव और पैसिव, आज हम देखेंगे पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं। जैसे हमने पैसिव एक्टिव से पैसिव में चेंज किया था, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, डिड की जगह वॉज या वॉज वर लगा दिया था, फेल की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म थी जिसमें उसने थर्ड फॉर्म कर दी थी। सिंपली इसको भी हमने ऐसे ही लेके चलना है। तो उसके पेज नंबर 46 पे है ये सारी एग्जांपल्स, ये उधर से आप देख सकते हैं। और पेज नंबर एक्सरसाइज नंबर 8 इसकी अनसॉल्वड है, जो आगे सॉल्व करनी है इसको समझ के। इस लेसन के बाद आपको समझ लग जाएगी कैसे इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको अच्छी तरह सॉल्व आउट कर लेंगे। सबसे पहले देखना है बेटा वॉज वर को ख़त्म और बाय को ख़त्म कर देना। मेन पॉइंट क्या है इसमें से, ये वॉज और वर और ये बाय, ये इन चीज़ों को आपने क्या कर देना है, इमिट कर देना है, ख़त्म कर। उसके बाद जो फेल की तीसरी फॉर्म होती है ना, उसकी जगह आपने क्या कर देनी है, फेल की दूसरी फॉर्म लगा देनी है। ठीक है जी, जहाँ ये सिंपल सेंटेंस होंगे तो सेकंड फॉर्म आएगी, अगर मनफी जुमला यानी नेगेटिव है, डेड नॉट है, तो उसमें कौन सी फॉर्म आएगी, उसमें फर्स्ट फॉर्म, यानी वॉज नॉट और वर नॉट की जगह आपने क्या इस्तेमाल कर देना, डेड नॉट का इस्तेमाल कर देना। उसके बाद सवाल यह, जुमलात में डेड को फिक्रे के पहले में, यानी जहाँ वॉज वर आपके स्टार्ट पे होगा ना, वहाँ आपने डेड स्टार्ट पे ले आना। ठीक है जी, और उसमें क्या कर देना है, फेल की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली फॉर्म लगाएं और आखिर में सवाल यह इंशाल्लाह देना। इसी तरह से एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। ये देखो पैसिव है, मीट वॉज कुक्ड बाय हर, ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम देखते थे ना, क्या करते थे हम, शी को किस में चेंज कर देते थे, हर के अंदर। तो अब ये था पैसिव एक्टिव टू पैसिव, अब हमने करना है पैसिव टू एक्टिव। तो सबसे पहले तो हम इसको चेंज करेंगे, शी को हमने सिंपली किस में चेंज किया, शी को, शी को हमने कर दिया इसके अंदर, हर को शी के अंदर चेंज कर दिया। उसके बाद फॉर्म देखनी है, कुक फर्स्ट फॉर्म, कुक्ड सेकंड फॉर्म आ गई, और उसके बाद वॉज खत्म कर दिया हमने, वार एंड और बाय भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद मीट हमारा एज इट इज़ आ गया। इसी तरह आपने देख लेना दूसरों को, यानी वॉज एन अम्ब्रेला टेकन बाय यू, वॉज की जगह आ गया डेड, यू आ गया उसके बाद, यू के बाद टेक डिड है ना, तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म एन अम्ब्रेला। बाय हुम वॉज द डोर नॉक्ड एट, बाय हुम किस में चेंज होगा, हु के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद डोर नॉक्ड फॉर्म आ गई, एट द डोर, वॉज और वाई को हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद पैसिव में ही वॉज नॉट ब्लेम्ड बाई अस, सबसे पहले किस में वी अस चेंज होगा, हम देखते थे ना हमने क्या किया है, वी को अस में चेंज किया था। अब अस को फिर सिंपली हम वी में चेंज करेंगे, वॉज की जगह डेड आ जाएगा, ये आ गया, वॉज की जगह हमने क्या लगा दिया, डेड लगा दिया, और नॉट वैसे आ गया, ब्लेम फर्स्ट थर्ड फॉर्म थी तो उसको फर्स्ट फॉर्म में ले आया क्योंकि डेड का इस्तेमाल हुआ, और आपके पास ही हिम में चेंज हो गया। तो बेटा ये था आपका लेसन, इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है, इसमें जो मुश्किल हो गया आपने मुझे बता देना है, उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो इस एक्सरसाइज नंबर 8 पेज नंबर 546 आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। सो थैंक यू वेरी मच।